समझ रहे हैं आई एम नॉट वेयरिंग एनी मेकअप बिकॉज नींद आ रही है मुझे एंड आई वॉन्ट टू स्लीप इन द कार. बस अभी हम निकलने वाले हैं जिम कॉर्बेट के लिए. हिसार से निकले थे, नोएडा रुके थे बिकॉज वहाँ पे भी घर है. देन नोएडा टू जिम कॉर्बेट हम जा रहे थे तो रास्ते में तड़का ढाबा आता, वहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया. इट वॉज डिसेंट नॉर्मल एंड टॉयलेट फैसिलिटीज वर देयर एज वेल. गजरौला का मशहूर पेड़ा देख करके इट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट थिंग कि ये गजरौला में पड़ता है एरिया. सो वी हैव द मेम्बरशिप ऑफ क्लब महिंद्रा. सो हम जिम कॉर्बेट में क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट में ही रुक रहे हैं एंड इट इज़ एक्चुअली अमेजिंग. आई हैव बीन देयर टू टाइम्स ऑलरेडी एंड ये मेरा थर्ड विजिट है. सो दिस इज़ द एंट्रेंस काइंड ऑफ थिंग एंड देन फिर रिसेप्शन पे जा करके दे ऑलवेज ऑफर यू विद अ नाइस वेलकम ड्रिंक. एंड गणपति उत्सव था उस टाइम पर तो इसके लिए बहुत अच्छे से उन्होंने गणपति का डेकोरेशन किया हुआ था एंड मैंने मम्मा को भेज दिया था वहाँ पर कि आप फोटो क्लिक करवा लो. आई एम नॉट रेडी राइट नाउ. एंड यस रिसेप्शन पर एक्सपेंसिव से पेस्ट्रीज एंड केक्स तो होते ही हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए. स्पेशली रहने के लिए जिम कॉर्बेट क्लब महिंद्रा में सबसे अच्छा या तो वन बेडरूम है जहाँ पर चार लोगों के सोने की जगह होती है या फिर स्टूडियो है वहाँ पर भी आराम से चार लोग अकोमोडेट कर सकते हैं. बट जो उनके सिंपल वाले रूम्स है ना, जो टू रूम्स वाला सेट होता है HU, वो थोड़ा उनका लोकेशन उतना अच्छा नहीं है बिकॉज़ वो रिवर साइड पर नहीं है और स्विमिंग पूल के सामने नहीं है. बट जो हमें बेडरूम और स्टूडियो मिले हुए हैं ये इनके बैक डोर्स रिवर्स पर ही खुलते हैं. कोसी रिवर दिखती है वहाँ से, रूम में से भी दिखती है विंडोज़ में से लाइक अच्छे से. अभी चल के दिखाती हूँ मैं आपको सामने से कितना अच्छा लोकेशन है ना, रूम में से पीछे को बाहर निकलते ही रिवर है. शाम को या रात को वॉक करना है इतना अच्छा लगता है, रात को इतने अच्छे से तारे दिखते हैं ना. इट्स जस्ट सो लाइक नाइस फीलिंग टू कनेक्ट विद नेचर. एंड हाँ, रूम के सामने की तरफ में स्विमिंग पूल है. सो लेट्स गेट रेडी फॉर दैट. स्विमिंग पूल में जाने का टाइम. तो बस अभी क्लब महिंद्रा में हम आए ही हैं. फर्स्ट थिंग विच आई एम गोना डू इज गो टू द स्विमिंग पूल इसके पहले कि टाइम जाए. वैसे अभी 3:30 ही बजे, अभी तो बहुत देर है बट आज मौसम अच्छा है, कल शायद बारिश आ सकती है. सो इट्स द बेस्ट टाइम टू गो इनटू दैट. मम्मा भी रेडी हो गई है फाइनली स्विमिंग पूल में जाने के लिए. पिछले एक साल से मैं कन्विंस करके ले करके जा रही हूँ. सो या एंड बाकी लोग भी हो रहे हैं रेडी इतने. तो जिम कॉर्बेट पहुंचने में ना, अगर बीच में रुक करके जाते हैं तो नोएडा से जिम कॉर्बेट जाने में 7-8 घंटे तो लग जाते हैं. तो डे वन पर फिर चेक इन वगैरह करते हुए 2:30 से बच जाते हैं. आप रेस्ट वगैरह करते हो, कपड़े चेंज करते हो, देन पूल में आते हो. सो दैट्स द मोस्ट विच यू डू ऑन योर डे वन यूजुअली जब आप किसी भी रिजॉर्ट में रिलैक्स करने आते हो. एंड आई रियली एन्जॉय स्विमिंग पूल. आफ्टर दैट स्विमिंग पूल में जब हम थे तब साइड में गणपति उत्सव भी सेलिब्रेट हो रहा था. तो वो लोग गणपति विसर्जन करने के लिए जा रहे थे एंड इट वाज फन. हर फेस्टिवल को इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है. इट वाज सिंपली अमेजिंग. तो कुछ लोगों ने स्विमिंग पूल में एंजॉय किया एंड जो लोग स्विमिंग पूल में नहीं थे वो लोग बाहर फिर डांस वांस करके एंजॉय कर रहे थे. तो स्विमिंग पूल में से निकलने का टाइम. स्विमिंग करने के बाद नहा धो करके मैं रेडी हो गई हूँ एंड मैंने अमेजन से नए डेनिम के शॉर्ट्स लिए. दे आर लाइक रियली कम्फर्टेबल. कल भी मैं फिर यही पहनने वाली हूँ, कल या परसों में से एक दिन तो फॉर श्योर. बहुत सही है. एंड अभी मैंने कुछ बहुत खास नहीं पहना, सिंपल सी कैजुअल टी शर्ट पहनी है बिकॉज डिनर करने जाना है दैट सेट. उसके बाद सो ही जाएंगे. और अभी मैंने बना नहाने के बाद स्किन केयर किया था. ओके सो नाउ हम प्रॉपरली डिनर करने के जाएँ. उसके पहले भाई वॉज लाइक ही हैज़ ऑलरेडी ऑर्डर्ड पिज्ज़ा एंड पार्टी का प्लान चल रहा था कि सही है बैक साइड में बैठते हैं आराम से रिवर देखते हुए पूरी फैमिली बैठ करके इन्जॉय करेगी. सो वी वर जस्ट हैविंग सम गुड फैमिली टाइम विद वेरी डिलिशियस पिज्ज़ा. कोसी रिवर में राफ्टिंग इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट. सो पीपल वर जस्ट डूइंग राफ्टिंग एंड बिकॉज डिफ़िकल्ट नहीं थी इसलिए हमारे साथ के जो भी लोग थे दे वर नॉट रेडी टू गो. आई वॉन्टेड टू गो बट अकेले में क्या ही जाती. सो आई मिस दैट. एंड हाँ, मुझे लेकिन काम था. आई हैड वन शूट. मुझे एक ड्रेसेस का हॉल शेयर करना था एंड बिकॉज द लोकेशन वॉज लाइक रियली ब्यूटिफुल सो आई डिड दैट देयर. हॉल के साथ ही में ऑफ कोर्स आई वाज शूटिंग द व्लॉग एज वेल एंड आई वाज हैविंग अ रियली गुड टाइम एंड एंजॉयिंग द ब्यूटीफुल साउंड्स ऑफ रिवर एंड जस्ट लविंग द नेचर. अभी यहाँ पे इतनी बारिश आ रही है कि एक रूम से दूसरे रूम में अभी भैया भाभी वाले रूम में हम जा रहे हैं तो उसके लिए भी ना छाता लिया हमने. एंड हॉलीडे चीटिंग इज स्टिल गोइंग ऑन बट हाँ, एक दो दिन से ज़्यादा चीटिंग नहीं करनी चाहिए है.
अदर साइड ऑफ द रिवर हम लोग डियर्स देख पा रहे थे एंड हैड सम फन एंजॉय टुगेदर. मैंने झूले झूले फिर बिकॉज आई लव स्विंग एंड वहाँ पर रिजॉर्ट में इतने सारे बच्चों के लिए झूले हैं, कुछ बड़ों के लिए हैं, इतने सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर आसपास वाले एरियाज में. फन टाइम, मुझे स्विंग्स बहुत पसंद है. सी यहाँ पर स्विंग्स भी हैं, स्लाइड्स भी हैं बच्चों के लिए, एक्टिविटी एरिया भी है, उधर स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के पास अभी तंबोला खिला रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये सब चीज़ें भी हैं, लाइक बहुत सारी हैं. इनफैक्ट ये साइकिल्स वाइकल्स ना कई तरह के, जो भी जो प्ले करना चाहता है. Then Yovan, my nephew and I had a great time together. हम लोग साथ में पूल के पास में घूम रहे थे. Yovan and Vartika, like me, we just both love swimming pools. उनके आस पास में रहना, वहाँ मस्ती करना, पूल के पास में वहाँ पे हमेशा म्यूजिक चल रहा होता था. That was the best part this time. So म्यूजिक चल रहा था तो why not dance? क्या फिक्र करनी दुनिया की. I just danced my heart out with Yovan. And Yovan के साथ कर रही थी तो awkward भी नहीं लग रहा था. एक मंकी तो हमारे पास भी है छोटा सा. Now let me just give you a glimpse of the resort because Jim Corbett में इतना कुछ ज़्यादा घूमने के लिए बाहर है नहीं, other than जंगल सफारी या फिर पैरामोटरिंग अगर किसी को करनी है तो मेनली रिजॉर्ट में ही ज़्यादा घूमती हूँ मैं और वही सब मुझे अच्छा लगता है. छोटी मोटी एक्टिविटीज़ कर लेना, प्ले रूम एरियाज देख लेना बच्चों के लिए, एंड देयर इज़ लाइक सो मच टू डू देयर एंड रिलैक्सेशन, पूल टाइम, सो एक्टिविटीज़ भी कुछ ना कुछ होती रहती है. सो ओवरऑल अच्छा एक फैमिली के साथ रिलैक्सेशन वाला टाइम मिल जाता है. एंड देयर्स किड्स रूम एज वेल, सो इफ यू हैव अ किड विद यू देन प्लस पॉइंट. ऊपसी डूपसी, आई थॉट हम लोग वहीं पर डिनर करेंगे बट हम तो बाहर आ गए हैं. बट हियर आई एम इन माय नाइट वेयर ओनली, सो नो प्रॉब्लम्स. क्या जाता है, हर कोई हर तरीके के कपड़े पहनता है. हम लोग जिम कॉर्बेट में द नेस्ट कैफे में आए हुए हैं एंड बहुत अच्छा एम्बियंस है यहाँ का. सो अभी तो स्टार्टर्स ले रहे हैं लोग, सूप पी रहे हैं पापा मम्मा मोहिनी अखिल से भाई भाभी के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग साथ में आए हुए हैं आज डिनर करने यहाँ पे. सो दिस इज आवर डे 3 इन जिम कॉर्बेट. जिम कॉर्बेट में ना इन दिनों में अक्सर दोपहर के टाइम पर काफ़ी बारिश आ रही होती थी, शाम तक चलता था और यू नेवर नो वेदर कैसा रहेगा, तो सुबह के टाइम पे क्लीन ही रहता था. सो इट्स द बेस्ट टाइम टू गो फॉर पैरामोटरिंग. मोहिनी परफेक्टली रेडी है जाने के लिए पूरे लुक में भी. ये अखिल भैया और ये मम्मी पापा. मम्मी शायद जाएंगी, देखेंगी, पापा तो बिल्कुल नहीं जाने वाले. बनानास खा रहे हैं सारे, पापा ने छुपा लिया कि मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ वीडियो में. सो इट्स अ रियली रियली लाइक बैकग्राउंड काइंड ऑफ थिंग, जैसे खेत नहीं होता है, समथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट वाओ, फॉर्चुनेटली वहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटीज भी थी एंड वो लोग साफ सुथरा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड कर रहे थे. There was a shed as well to sit. To be very honest, एक बार पैरामोटरिंग होता हुआ देख करके थोड़ा डर तो लग रहा था, सो इसलिए मैं फर्स्ट भी नहीं गई. आई वॉज लाइक पहले कोई एक बंदा चले जाओ, आफ्टर दैट आई विल गो. सो पहले अखिल भैया को भेजा एंड यू कैन सी अभी की किस तरीके का दिखता है, दिखने में कैसा लगता है. कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं लग रहा था बट थोड़ा डर मुझे लग रहा था. सो आई वॉज वेटिंग फॉर हिम टू कम डाउन एंड टेल मी द एक्सपीरियंस. सो ही टोल्ड मी एंड आई फेल्ट लाइक इट्स एक्चुअली वेरी वेरी ईजी, ऐसा कुछ भी डरने वाला नहीं है. सो आई कैन गो. बाय द वे मैंने पैरा ग्लाइडिंग करी हुई है विच वॉज एक्चुअली डिफिकल्ट, हाँ बट हाँ दैट वॉज फन. सो पैरा मोटरिंग इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट. सो आई वॉज ऑलरेडी and set to go for paramotoring. So start hua, it was really easy. इन लोगों का by chance उस time selfie वाला camera गलती से पहले किसी से टूट गया था, so वो नहीं था. So I actually was comfortable enough to hold my phone in my hand because बहुत smooth था. It was really smooth, like बहुत ही आराम से मैं views को enjoy कर रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, it was very pleasant. और आप heights select कर सकते हो अपने हिसाब से. I don't remember the exact meters की कितना था क्या था, but it was really good height. और आपको नीचे का सारा अच्छे से दिख रहा है, you are enjoying those mountains, clouds और सारा view. And landing में मज़ा आया था because थोड़ा सा तब speed आई थी, that was the most good part. And इतना आसान, इतना simple लगा था. That my mom is like 60 years of age now and she also did that, so it was really good to see her enjoying it as well, because बहुत simple था seriously.
एंड उनका हाइट वाला ना थोड़ा कम था तो बहुत अच्छे उनके फोटोग्राफ्स वगैरह आ रहे थे. शी वॉज एक्चुअली विजिबल एंड हेयर यू कैन सी द लैंडिंग पार्ट एज वेल. सो पैरा मोटरिंग आई वुड से जो हम लोग झूले झूलते हैं ना उससे तो आसान है. एंड अबाउट द रिस्क इतना ज़्यादा मुझे कुछ रिस्क ही नहीं लगा बिकॉज इसमें मोटर है एंड उसके बाद भी और इन लोगों ने कुछ बताया था कि इट इज़ लाइक कम्प्लीटली सेफ, कुछ भी इशू नहीं है. Breakfast, the Nest Cafe, and good vibes with family after the adventure sport. Nest Cafe ka ambience and poha is actually really good. Purane zamane ki Bollywood, Hollywood theme hai actually sari movie stars ke photos wagera. Poha khate hain. Hum log fly karke aaye abhi kya karte hain para mountain karke. Uske baad yahan par Jim Corbett mein the Nest Cafe hai. एम्बियंस बहुत अच्छा है एंड खाना इज सो टेस्टी गुड. बिल्कुल घर जैसा टेस्टी वाला खाना होता है ना और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस है. बहुत अच्छा खिला खिला पोहा लग रहा है. एंड इंट्रोडक्शन मोहिनी अखिल मम्मा और पापा वीडियो शूट कर रहे हैं तो वो हम नहीं दिखा पाएंगे अभी आपको इस क्लिप में. क्लब महिंद्रा वाले रिवर राफ्टिंग भी करवाने लगे हैं. इतने अच्छे से प्लांट्स लगे हुए हैं. ये एंट्री गेट है पूरा हमारे क्लब महिंद्रा में जिम कॉर्बेट. वेदर भी बहुत अच्छा है. कोविड के इतने टाइम बाद ट्रैवल करने का मज़ा ही अलग है. सही बात है. इतनी भीड़ भी नहीं है और ग्रीनरी इतने अच्छे प्लांट्स देख करके बड़ा मज़ा आ रहा है. हाँ यहाँ बहुत अच्छी ग्रीनरी है. नेचर वॉक करना और सब कुछ रिवर के साथ में दैट्स वेरी गुड. तो इधर को यहाँ पे रूम स्टार्ट हो जाते हैं. जो एच यू वाले हैं ना दो लोगों वाले वो इस तरफ है. ये ओके ओके टाइप लोकेशन है बट यहाँ पर क्योंकि रिवर व्यू और स्विमिंग पूल नहीं आ रहा है. और पीछे को पहले पूरा पार्किंग वाला एरिया था अच्छे से पार्क वगैरह करने के लिए सब सही है. एक टाइम के बाद व्हीकल्स अलाउड नहीं होता तो हमें यहाँ वॉक करनी होती है और यहाँ पर बहुत सारे मॉन्कीज हमारे साथ वॉक करते हैं काफ़ी आते हैं यहाँ पर. ये बैडमिंटन वगैरह खेलने के लिए गेम्स खेलने के लिए पूरा बहुत ही बड़ा सा इन्होंने लॉन पूरा रेडी है यहाँ पे. साइड में रिसेप्शन एरिया है. हैप्पी हब एक्टिविटी एरिया. क्लब महिंद्रा में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं रोज़ रोज़. ऐसे ही चलते चलते ये सारा ये वाला एरिया आ जाता है. इधर को भी और रूम्स हैं. ये वाले भी आई थिंक होटल यूनिट हो सकते हैं. यहाँ पर ये पूरा रिवर आ जाएगी आगे को. रिवर साइड है और इधर ये बैठने के लिए खाना वाना खाने के लिए बना हुआ है. ऊपर को अलग से बूफे के लिए भी बना हुआ है मतलब और खाना के लिए. ये ग्रिल्ड फूड्स के लिए है. ये इधर स्विमिंग पूल व्यू वाले रूम्स हैं. इधर वन बेडरूम और स्टूडियो. वन बेडरूम में चार लोग अकोमोडेट कर सकते हैं. स्टूडियो में तीन से चार आई थिंक कर सकते हैं आराम से. और ये हमारा वाला रूम है. इसके बैक साइड से दरवाज़ा खुलता है और पूरा व्यू दिखता है रिवर वाला मस्त सा. अब हम आए हैं यहाँ पर रावत मैगी पॉइंट पर कुल्लड़ वाली चाय पीने. तंदूरी चाय है यहाँ पर और साथ ही में मैगी तंदूरी मैगी बनेगी यहाँ पर. ये भैया बना रहे हैं. भैया हेलो कर दो. तंदूरी चाय ध्यान से अंकल. इट्स फेमस इन जिम कॉर्बेट तो हमने लंच स्किप किया था इसके लिए. ये चाय बननी है तंदूरी तड़का डबल इंजन की सरकार हॉट कुल्लड़ वाली चाय. पीजिए कॉपर की चाय बने रहे टॉपर. पिएगा जवान जवान पिएगा पहलवान. शेरनी की दूध से तैयार की गई ये चाय. ये हम पी रहे कॉर्बेट के शेरनी के दूध की चाय. हाँ जैसा कि कल बनाई थी मोरनी की दूध की आज बनाई है शेरनी की दूध की. इसमें पड़ी है शक्कर इसे पीने से कभी नहीं आएगा शक्कर. चाय ज्यादा सो वापस आने के बाद मुझे एक योगा शूट करना था. सो लाइक बिकॉज द व्यू वॉज सो ब्यूटिफुल तो योगा के पोजेज एंड सब कुछ कितना अच्छा लगेगा. सो आई मेड दिस वीडियो विद देयर एंड इट्स अवेलेबल. आप पेज पर चेकआउट कर सकते हैं. एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं था अदरवाइज आई वुड हैव डन सो मच मोर. तो मैं इतना ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करके भी नहीं आई थी. सो थोड़ा बहुत आई डिड दैट एंड थोड़ा बहुत मस्ती में हम लोगों ने साथ में भी किया. यहाँ का एम्बियंस और खाना लगता है ज़्यादा ही पसंद आ गया. हम ब्रेकफास्ट में पोहा खाने फिर से आ गए.
सो अभी जो ये एकदम से वीडियो ट्रांजिशन आ गया ना, दिस इज़ डे फोर का ब्रेकफास्ट टाइम। डे थ्री में डिनर पे भी हम लोग यहीं आए थे एंड वी हैड अ ग्रेट नाइट, लाइक बहुत मस्ती करी, वी हैड अ पार्टी बीच वहाँ पे रिवर के साइड में भी। सो दैट वाज ऑल फन। डे थ्री में हम इतना मस्ती कर रहे थे दैट आई डिडंट शूट एनी थिंग, मैं जस्ट इन्जॉय करने में बिजी थी। एंड डे फोर के मॉर्निंग में मज़े से लाइक इन्जॉय कर रहे थे, अपना मस्ती कर रहे थे। आफ्टर दैट वापस जाने का टाइम आ गया था। अब हम ट्रिप एंड होने वाला है, हम वापस जा रहे हैं। तो रास्ते में हम जिम कॉर्बेट से नोएडा के रास्ते में भी बीकानेर वाला पे आए हैं। ढोकला कुछ लोग भटूरे छोले खा रहे हैं, कुछ लोग राजमा चावल खा रहे हैं, कुछ लोग भेल पूरी खा रहे हैं, दही बल्ला, पाव भाजी खत्म हो चुकी है। तो ट्रिप के 3 दिन कंप्लीट हुए, इट वाज अ लवली ट्रिप एंड आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो देख करके मज़ा आया होगा, आपने भी एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू कैन फॉलो मी ऑन लुक गॉर्जियस बाय वर्तिका फॉर मोर सच वीडियोज़।